Hi Angels, welcome to Apna Online School. So I hope you all are fine, and today we are going to do a small lesson on language from standard 2, 1.5 language study. So this is based on your grammar basically. So Angels, इसमें क्या है ना कि English, अगर English के लिए grammar आना बहुत ज़रूरी है और सेंटेंसेस में क्या क्या होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये एक स्टार्ट है आप लोग के लिए जानने के लिए कि एक सेंटेंस में क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लैंग्वेज स्टडी. नेमिंग वर्ड्स. लिसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है. आर यू अ बॉय और अ गर्ल, आप एक बॉय हो या गर्ल हो. हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है. विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट, आपको कौन कौन सी जगह जाना पसंद है. विच इज योर फेवरेट एनिमल, आपका फेवरेट जानवर कौन सा है, मतलब आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है. What do you like to eat? आपको क्या खाना पसंद है. What is your favorite toy? आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है. Do you write with a pen or a pencil? आप किससे राइटिंग करते हैं, आप किससे लिखते हैं, पेन या फिर पेंसिल से. All the answers are naming words. So angels, इन इतने सारे questions के जो answers आपको मिलेंगे वो सारे होंगे नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स इज अ लैंग्वेज, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज. नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम्स ऑफ एनीथिंग. सो नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो नाम होते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, कैसे भी हो. लेट्स प्ले. लेट्स फॉर्म फोर ग्रुप्स. सो अपन को फोर ग्रुप्स फॉर्म करने हैं. नाउ पिक अप एनी वन ऑफ द कार्ड्स. सो यहाँ पे एंजल्स हमें कार्ड्स दिए हुए हैं, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो ये फोर कार्ड्स दिए हुए हैं. राइट डाउन एज मैनी नेम्स एज यू कैन रिलेटेड टू योर कार्ड. सो हमें इसमें बहुत सारे नाम लिखने हैं कार्ड के हिसाब से. जैसे कि फर्स्ट कार्ड है नेम, सो आपको सबका नाम लिखना है. नेम जैसे कि नेम ऑफ अ प्लेस हो सकता है, मतलब इट कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे कि राघव, प्रीति, गुरु, रंजना या फिर सरस्वती, ऑल दोज नेम्स. प्लेस, प्लेस मतलब कि कोई जगह का नाम, कोई जगह का नाम, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, औरंगाबाद. ऑल राइट. एनिमल, एनिमल मतलब कोई जानवर का नाम, जैसे डॉग, काउ, चमेलियन, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, फिर स्क्विरल. ऑल राइट. थिंग्स, थिंग्स यानी कि चीज़ें, चीज़ें यानी कि लैपटॉप, माउस, माइक, स्टे, टॉयज, फिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, कॉम्ब. ऑल राइट. सो ऑल दीज आर थिंग्स, चीज़ें. सो हमें बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं इनके ऊपर, बहुत सारे नेम्स लिखने हैं इनके ऊपर. यू मे डिस्कस विथ योर ग्रुप मेम्बर्स. तो जो भी आपका ग्रुप है, जो आपकी टीम है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं. वेन यू फिनिश कॉल बिंगो, जब आपका हो जाए लिख के, तब आपको बोलना है बिंगो. The group with the maximum number of examples will win. So, जिस भी ग्रुप ने सबसे ज़्यादा examples लिखे होंगे ना, वो जीत जाएगा. So, यहाँ पे teacher है और यहाँ पे students हैं और teacher सबको instructions दे रही है. All right. So, name, place, animal, thing. So, name यहाँ पे आपको दिया है अमित, example के लिए. Place दिया गया है पुणे. एनिमल में दिया गया है कैट. थिंग में दिया गया है बॉल. ऑल राइट एंजल्स. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ एनीथिंग, कोई
there's a name of a person, name of a place, name of an animal, name of a thing. Read the following passage carefully. ये जो दिया गया है ना, ये जो passage दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ना है. Underline the names of people, places, things, fruits, etc. So हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो naming words है ना angels, उन सबको underline करना है. Okay? So today is Raju's birthday. He is getting ready for the school. आज राजू का बर्थडे है और वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है. His mother gives him a mango plant in a pot. और राजू की मदर ने उसे क्या दिया है, एक मैंगो का प्लांट दिया है. ये देखो, एक मैंगो का प्लांट दिया है एक पॉट में डाल के. All his friends wish Raju in the school. So राजू के सारे फ्रेंड्स राजू को विश करते हैं स्कूल में. They sing happy birthday with their teacher. और राजू के सारे फ्रेंड्स राजू को happy birthday song गा के विश करते हैं. Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there. फिर टीचर सारे स्टूडेंट्स को स्कूल के पीछे लेके जाती है और वो मैंगो प्लांट को वहाँ पे प्लांट करवा देती है. Everyone claps for him. So सब लोग राजू के लिए क्लैप करते हैं. So angels, इसमें हमें नेमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. टुडे इज राजूज बर्थडे. सो राजू इज अ नेम ऑफ अ बॉय. So it is a naming word. So you have to underline this. He is getting ready for the school. School is a name of a place. So you have to underline school. His mother gives him a mango plant. So mango is a name of a thing, right? It is a mango. Mango एक नाम है fruit का. So it is a naming word. So you have to underline mango plant in a pot. So plant भी एक चीज है. It is a thing, right? So you have to underline plant. फिर आता है pot. Pot भी एक thing है, एक चीज है. So you have to underline pot. All his friends wish Raju in the school. यहाँ पे राजू फिर से आता है तो फिर से हमें underline करना है क्योंकि राजू is a name of a person. और friends भी तो naming word ही होगा ना angels, क्योंकि वो भी तो friends भी तो persons में ही आते हैं. They sing happy birthday with their teacher. So angels, teacher is also a naming word. Kyunki teacher is also a name of a person. So underline teacher. Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there. Everyone claps for him. So angels, I hope aapko samajh mein aa raha hai what are naming words. So aise hi jab aap aur bhi dusre passages padhenge na, और कोई दूसरा पैसेज, जैसे कि मे भी आपके पास कोई टेक्स्ट बुक हो या फिर आपके पास कोई दूसरी बुक्स हो, कोई छोटी सी स्टोरी बुक हो, उसमें भी आपको बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स मिलेंगे. यू कैन फाइंड नेमिंग वर्ड्स इन दैट स्टोरी बुक सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. सो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं. सो लेट्स लुक एंड से, चलिए इसे रीड करते हैं. टुडे, बर्थडे, स्कूल, mango, plant, pot, friends, teacher, backyard, everyone. So angels, आज हमने एक नया चीज़ सीखा English language का, naming word. So angels, इसे भूलना नहीं है, इसे practice करना है और इसे याद रखना है. All right? So bye for now.